कौन सा क्वेश्चन हो गया था बच्चा लोग? क्या चालू है? लॉजिक, लॉजिक का लास्ट वाला एक्सरसाइज का कौन सा एक्सरसाइज हो गया था बच्चा लोग? प्लीज रिप्लाई। बच्चा लोग प्लीज रिप्लाई। सर्किट डायग्राम का क्या क्या हो गया था, क्या क्या बाकी है, प्लीज रिप्लाई। देखो भाई अभी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा मुझे, और जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे ना तब तक मैं कुछ बताने वाला नहीं। इससे पता चलता है कि आप लोगों ने सर्किट डायग्राम हो गया था। नहीं देखो पीयूष ने सही बोला है, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर फोर, इतना हो गया था। करेक्ट, सही बोला बच्चा, ग्रेट। देखो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट हो गया था एक्सरसाइज 1.5 का। देखो संजना ने भी सही डाला एकदम। Absolutely right. तो देखो तो क्वेश्चन नंबर वन हो गया था, क्वेश्चन नंबर टू हो गया था, क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया, फोर हो गया था, बचा कितना? तो क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फाइव, दो क्वेश्चन बचा है। क्वेश्चन नंबर थ्री में देखो क्या लिखा है, गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग सर्किट। मतलब व्हाट एवर द गिवन सर्किट डायग्राम, जो भी सर्किट डायग्राम दिया है पहले आप इसको सिंप्लीफाई करो, ऐसा बोलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई इट एंड देन फाइंड इट्स अल्टरनेटिव सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव वाला भी, देखो क्या लिखा है, obtain the simple logical expression of the following, draw the corresponding switching circuit। मतलब जो symbolic form में दिया है पहले आप उसका क्या करो, simplify करो, and then जो भी simplify आएगा उसका आपको क्या करना है, circuit diagram। तो दोनों question का है, question number three and question। अब याद रखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वो सारे लॉ याद है, सबसे पहला लॉ मैंने क्या सिखाया था आपको, सबसे पहला लॉ मैंने सिखाया था आपको आइडेम्पोटेंट लॉ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ, उसके बाद आइडेंटिटी लॉ, याद है ना, वो सारे लॉ आपको यहाँ पर करेक्ट वापस से अपने वो सारे लॉ की जरूरत पड़ेगा, और उसी लॉ से एक बार वो लॉ जो सिखाया था एक बार प्लीज ओपन करो वो सारे लॉ, प्लीज रीड ऑल द लॉ, प्लीज रीड ऑल द लॉ। Yes, all of you, आपने पढ़ लिया?
ये सब आपने पढ़ लिया, आई होप कि सब लोगों ने पढ़ लिया रहेगा लॉ। तो आप देखो बच्चा लोग, सबसे पहले क्या करना है मुझे इसको सिंबॉलिक में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? सिंबॉलिक में, राइट। तो देखो इसका सिंबॉलिक फॉर्म पहले एज्यूम कर लो, S1 इक्वल टू P, S2 इक्वल टू Q, निगेशन ऑफ S1 इक्वल टू S1 डैश इक्वल टू निगेशन ऑफ P एंड S2 डैश इक्वल टू निगेशन ऑफ, राइट। अब आ गया सिंबॉलिक फॉर्म, राइट। तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आएगा, सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो। देखो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आएगा, देखो S1 एंड S2 डैश ये दोनों किसमें है? पैरेलल, ये पैरेलल, राइट। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन तीनों किसमें है? पैरेलल में है, बट ये दोनों किसमें है? सीरीज में है। तो देखो सबसे पहले ये दोनों S1 और S2 डैश ये पैरेलल, और S1 डैश एंड S2 करेक्ट है बच्चा? यस डन। अब सुनो ध्यान से, अब क्या करना है? देखो भाई इधर क्या है ऑन, बट इधर क्या है एंड, राइट ना। इधर ऑन है लेकिन इधर क्या है एंड। तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा बाबू? क्या लगाना पड़ेगा? ठीक है वो बात की बात है, पहले इसको हम लोग पीक्यू में चेंज कर ले। तो ये क्या आ जाएगा? निगेशन ऑफ पी, और खाली निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड ये आ गया बच्चा सिंबल। अब इसका क्या करना अपने को? सिंप्लीफिकेशन। क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन। तो देखो अब मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम है ये, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम है ये। देखो ओके ओके, चलो चेक कर लेता हूँ एक बार। करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। अरे 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 सॉरी, मैंने हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ड्रॉ कर दिया है। ओ हो, ठीक है ओके। तो क्या आएगा देखो, S1 एंड देखो ये इसके साथ पे क्या है? सीरीज पे है, बट ये दोनों क्या है? पैरेलल। ये आया S1 डैश और S2। देखो ये आ गया P एंड निगेशन ऑफ P और Q। यस पीयूष, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। ओके अब देखो क्या अप्लाई करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसे पता चला डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करना है?
हाउ डू यू नो वी हैव टू अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव, बिकॉज देखो इधर एंड है और इधर और है, क्या आएगा एंड डिशन और एंड राइट। अब इसके बाद क्या लगाना है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में क्या पढ़ा हम लोगों ने बोलो, कॉम्प्लीमेंट में आएगा ये क्या होता है ये, इसके बाद क्या आएगा बोलो, आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है बोलो, और में एक फॉल्स रहा तो फॉल्स नहीं हो सकता राइट ना, ये आ गया मेरा सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम। अब अगेन पी एंड क्यू तो क्या लिखेंगे हम लोग, एस वन एंड एस टू, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम, क्या आएगा एंड आएगा S1, आएगा S2 बराबर है। एक बेटा जस्ट मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से हैंडल कर लूंगा, यस आई होप कि सबको एकदम प्रॉपर दिख रहा होगा। चलो ये पूरा कंप्लीट हुआ, सबसे पहले सर्किट डायग्राम दिया था, उसका सिंबॉलिक में चेंज किया, सिंबॉलिक में चेंज करने के बाद इसको सिंप्लीफाइड किया लॉ लगा के, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम में शामिल किया। अब सुनो काम की बात है, देखो ये वैसे तो प्रैक्टिकल एग्जाम में आता है 5 मार्क के लिए, कितने मार्क के लिए बेटा 5 करेक्ट है, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो ये 4 मार्क के लिए सम, याद रखना बोर्ड एग्जाम के लिए 4 मार्क का सम है, और प्रैक्टिकल एग्जाम में तो 100% एक मिलेगा फॉर 5 मार्क्स। चलो लिख लो फटाफट जल्दी से, राइट ऑन फास्ट, तो फिर नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं, और एक सम सिखाते हो आपको, जल्दी करो।
डिटरमाइंस सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो अच्छे से. दिस इज एस वन, दिस इज एस वन डैश, दिस इज एस टू डैश, दिस इज एस वन एंड दिस इज एस टू, राइट ना. ये आ गया सर्किट डायग्राम. फिर से चेक. अरे यार क्या फालतू गिरी हो रही है, मैं बार बार क्वेश्चन नंबर फोर पे क्यों आ जाता हूँ. अच्छा है भाई. ओके, दिस इज एस वन, दिस इज एस टू, दिस इज एस थ्री, दिस इज एस थ्री डैश, दिस इज एस टू डैश. ओके चलो डन. ओके अब देखो इसका, तो हमने क्या किया, एस वन की जगह पे भी एस टू की जगह पे क्यू, एस थ्री की जगह पे आर, एस वन डैश विल बी डिलीशन ऑफ पी, एस टू डैश विल बी डिलीशन ऑफ क्यू, एस थ्री डैश विल बी राइट. अब इसका आ गया ओके तो अब आ गया सिंबॉलिक फॉर्म. जस्ट लुक एट सिंबॉलिक फॉर्म. सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आएगा, देखो ये एस वन है, ये दोनों पैरेलल है,
अब ये तीनों एंड में है, एस वन राइट है बाबू, ओके ग्रेट, इसको मजा आएगा सॉल्व करने में। सब लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान देना बाबू, तब जाके एकदम मस्त समझेगा ये, राइट। सबसे पहले इसको सिंबॉलिक में चेंज कर देते हैं। तो देखो दिस इज पी एंड दिस इज क्यू और आर, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे करते हैं, सिंप्लीफिकेशन इसके नीचे यहाँ पे नहीं लिखता हूँ क्योंकि साइड से दिख नहीं रहा है, राइट ना बाबू। एक स्टेप लिख देता हूँ, चलो ध्यान देखो अच्छे से बेटा। देखो मैं क्या करता हूँ ना, ये देखो यहाँ ये भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन दिख रहा है, मतलब P एंड क्या हो जाएगा बोलो जरा, कॉमन एक ब्रैकेट में आएगा Q फिर आएगा और फिर आएगा ये, राइट। और इस लॉग को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, अब आएगा असली मजा, टी मॉर्गन्स लॉ याद है क्या? ये देखो इसमें से अगर मैं निगेशन बाहर निकाल दूं, टी एंड ब्रैकेट में क्यू और आर और निगेशन क्यू और आर, देखो बाबू जब इसमें से मैंने निगेशन बाहर निकाला, राइट है, सबको पता होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या था डी मॉर्गन्स लॉ, पी एंड क्यू राइट करेक्ट, ये डी मॉर्गन्स लॉ मैंने अप्लाई किया। अब सुनो अब मजा आए, देखो बाबू ये और ये दोनों सेम सेम है ना, एक पी है और है निगेशन पी है, कौन सा लॉ लगेगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ, पी एंड इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, और में पी और निगेशन पी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, राइट। आप सुनो ध्यान से, ये एंड है ना बाबू, एंड में जब एक ट्रू होता है तो क्या होता है, डिपेंड करता है पी पे आंसर, क्योंकि एंड में जब दोनों ट्रू होगा तो ट्रू होता है, करेक्ट। तो पी अगर ट्रू हुआ तो ट्रू, अब कौन सा लॉ में अप्लाई कर रहा हूँ, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ में आंसर आएगा पी, व्हाट एन आइडिया सर जी, ध्यान दे तो बाबू क्या ध्यान देने वाली बात है, एक सर्किट है, खाली एक स्विच आया है, एक स्विच है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, मैं क्या लिखूंगा एस वन, क्या लिखूंगा यहाँ पे आएगा सिंपलीफाइड सर्किट डायग्राम, करेक्ट है बाबू, चलो फटाफट ड्रॉ करो, तो लिखो
फटाफट जल्दी। अरे मोटर चालू किया है, मोटर चालू किया है, नहीं जा रहा है, जल जाएगा। ओके डन, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो सबसे अच्छी बात क्या है इन क्वेश्चन नंबर फाइव में ना ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म दिया हुआ है, मतलब ये सर्किट डायग्राम तो सिंबॉलिक करने का जरूरत नहीं है, बस उसको सिंपलीफाई करना है। तो लेट अस ट्राई बाय योर सेल्फ फर्स्ट, यूज लॉ और उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको ही देता हूँ, देखते कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। लॉ तो बहुत यूज किया है, क्वेश्चन नंबर फाइव का फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है। सेकंड वाला देता हूँ, चलो पहले फर्स्ट की सॉल्व करो। अरे ये तो एक ही लाइन में हो जाएगा, वो तो एक ही लाइन में हो जाएगा। फर्स्ट वाला सेकंड वाला लिखता हूँ, नेगेशन ऑफ एट क्यू और नेगेशन ऑफ एंड नेगेशन क्यू और पी एंड नेगेशन क्यू, राइट। चलो बच्चा लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो इसको, सबसे पहले लॉ यूज करो एंड सिंप्लीफाइड करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई बाय योर सेल्फ, चलो डू इट फास्ट।
द चैनल डन। कोई ऐसा है जिसको नहीं आ रहा है प्लीज रिप्लाई। कोई ऐसा है जिसको नहीं आ रहा है तो मैं सॉल्व करके देता हूँ। ओके ओके, सौरभ को नहीं आ रहा, डोंट वरी सौरभ। और कोई? बस खाली सौरभ को नहीं आ रहा है, मतलब तुम लोग खाली सौरभ को बदनाम कर रहे हो। बाकी लोग सोचते हैं हम क्यों पूछे, सौरभ ने पूछ लिया है ना, और सर तो सौरभ के लिए सॉल्व करके देने ही वाले हैं। भाई सौरभ ने आप लोगों के लिए पूछा है, सौरभ को भी आता है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊ, करेक्ट, ब्रैकेट यूज करने के बाद मैं कौन से दो लगाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्यों? क्योंकि ये देखो दोनों में कॉमन है, राइट। ये आ जाएगा डिविजन ऑफ पी एंड क्यू और डिविजन, राइट। अब कौन सा लॉ लगेगा? अब लॉ लगने वाला है कॉम्प्लीमेंट। क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ में? इसका क्या आएगा? ट्रू। अब कौन सा लॉ लगेगा? आइडेंटिटी। दिया जाएगा रिलेशन ऑफ पी, राइट। अब फिर से क्या लगेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव। रिलेशन जब भी और एंड दोनों साथ में दिखा मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, अब देखो ये क्या आएगा बोलो, कौन सा लॉ लगा बोलो? कॉम्प्लीमेंट। राइट है, अब कौन सा लॉ लगेगा बोलो? आइडेंटिटी। क्या आएगा? राइट। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? लेट ई इक्वल टू एक्स वन, क्यू इक्वल टू एक्स टू, रिलेशन ऑफ ई आ गया एक्स वन डैश, राइट। ये आएगा एस वन डैश और एस टू डैश। अब इसका क्या बनाना है? सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम। चलो फटाफट बना दो। तो सौरभ इतना तो कर ही सकते हो, यस और नो बाबू? हाँ दो बार लगेगा। अरे सही यार, समझ गए आप लोग, डी सी आई, डी सी आई। वाओ, अब आपको समझ में आ गया बच्चा। चलो डू इट फास्ट। फटाफट ड्रॉ इट फास्ट।
अरे क्या बात है, क्या बात है, अलराज को तो आते ही है भाई, वो तो स्कॉलर है। चलो बच्चा हो गया क्या, ड्रॉ करके सिंपलीफाइड सर्किट डायग्राम बनाया, ये दोनों स्विच को पैरेलल लगाया, प्लीज रिप्लाई। अरे बाकी लोग भी थोड़ा रिप्लाई किया करो। सौरभ आई एम वेटिंग फॉर यू। ओह ग्रेट, चलो एक सम और। यस बच्चा चलो प्लीज सॉल्व, अप्लाई द लॉ। देखो हिंट भी आपको दिख रहा है, चलो डू इट फास्ट, लेट्स सी कितने लोग को आता है।
डन। अरे क्या बात है पीयूष, ग्रेट। Yes, all of you done? कोई ऐसा है जिसको नहीं आ रहा है ये सब? सबको आ रहा है, चलो अच्छी बात है। तो now in this way this chapter is completed, correct? तो आपका बच्चा दो चैप्टर हो गया फिनिश, लॉजिक एज वेल एज मैट्राइसिस बोथ आर कंप्लीटेड, राइट? तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक एंड दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट? As far as this topic is concerned, we already studied the 11th standard straight line. अच्छा तुझे नहीं आया बलराज? नहीं आया तो बोलना ऐसा, चल ठीक है। देखो भाई, ओके देख लो, देखो भाई बलराज ने पूछा एक बार, हो सकता है किसी और को भी नहीं आया हो। प्लीज लुक एट दिस सम, प्लीज ऑल ऑफ यू, जिसको आ गया वो भी देखेगा, जिसको नहीं आया वो भी, प्लीज लेट्स लुक एट। हाँ सबसे पहले यहाँ पे देखो P or, here also P or, तो क्या अप्लाई करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट? दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेट्स लुक एट P or ब्रैकेट नेगेशन ऑफ Q or नेगेशन ऑफ R and Q and R, डायरेक्ट। नाउ लुक एट, देखो बच्चा ये और इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे एंड है यहाँ पे आर, बट यहाँ पे क्यू और आर है और यहाँ पे निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ आर। इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे ये तो दोनों निगेशन है, तो यहाँ पे कौन सा अप्लाई में अप्लाई कर सकते हो, कौन सा लॉ? दैट इज कॉल्ड एज डी मॉर्गन्स लॉ। क्या है डी मॉर्गन्स लॉ? तो पी और क्यू इसका निगेशन लिया तो आता है निगेशन ऑफ। ये देखो ये दिख रहा है ना यहाँ पे, मतलब इसमें से मैं निगेशन अगर बाहर निकाला तो दिस और बिकम एंड, ये आएगा निगेशन ऑफ एंड आर एंड यू एंड आर, करेक्ट है? नाउ लुक एट, ये किस फॉर्म में है अभी? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट। सो विच लॉ वी आर गोइंग टू अप्लाई? कॉम्प्लीमेंट लॉ आएगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ में और एंड है ना बेटा, एंड है तो फॉल्स और होता तो ट्रू, करेक्ट? अब कौन सा लॉ? आइडेंटिटी, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है ये, करेक्ट ना? तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, लाइक एक ही स्विच है S1, this is S1, इसके बाद क्या अप्लाई करना है? सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम, है ना बलराज? क्या है सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम? लुक एट दिस इज S1, जिसको आया नहीं आया जस्ट लुक एट। और देखो क्वेश्चन नंबर फाइव में से बस एक सम बाकी है बेटा, पहला वाला तो चिंदी है, करेक्ट? हाँ हाँ बोलो बोलो, होमवर्क दिया था क्या हुआ? देखो किसी ने मैसेज किया है, होमवर्क वाला सम नहीं आया क्या? जस्ट मिनट सर आपने जो होमवर्क दिया था वो नहीं आया, 1.4 का प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आया, ओके बताता हूँ, अब भी बताता हूँ, जस्ट मिनट।
एक्सरसाइज 1.4 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 मैंने दिया था, करेक्ट नहीं आया? चलो मैं बताता हूं, जल्दी से पहले इसको कंप्लीट करो फास्ट। अरे ये तो बहुत सिंपल है बच्चा, क्या बोलता है? दो स्टेप, क्या मजाक कर रहा है? दो स्टेप का क्वेश्चन लिया। ओके कोई बात नहीं, क्या नाम है इसका? रितिका। अरे रितिका नहीं आया बेटा आपको? इट वॉज वेरी सिंपल। चलो ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी सिंपल चीजें भी टफ लगती है और कभी कभी टफ चीजें भी सिंपल लगती है कि नहीं? Yes, completed all of you, can I enough? Please reply. Oh, yes, done. चलो फोर का क्वेश्चन नंबर फोर क्या था? निगेशन ऑफ ये क्या हो गया? ठीक है रितिका, जस्ट लुक एट बेटा, consider LHS. What is your LHS? Negation of P. Right? Okay. Now look at it. Just this is P. Arrow Q. Right now. And bar kya hai beta? Negation. Yaad hai aapko? एक मैंने लॉ आपको लिख के दिया था, नेगेशन ऑफ पी, है ना? क्या था इसका लॉ? पी एंड नेगेशन, ये कहां पे पढ़ा था हम लोगों ने? रूल्स ऑफ नेगेशंस में, दिस वाज द रूल्स ऑफ नेगेशन। जस्ट लुक एट ये पी, ये मेरा पूरा पी है, द होल थिंग इज पी एंड दिस इज होल थिंग इज क्यू। तो देखो P arrow Q, करेक्ट? ओके तो बाहर निगेशन तो क्या आएगा? देखो ये मेरा पूरा P arrow की जगह पे आएगा एंड जस्ट लुक एट, और यहाँ पे आएगा निगेशन ऑफ, राइट? दैट्स ग्रेट। अब ये निगेशन अंदर लेके जाओ, तो जब ये निगेशन अंदर जाएगा तो क्या आएगा? Negation of P or Q, करेक्ट है? इसको आप डी मॉर्गन लॉ भी बोल सकते हो, and this is your RHS, hence चलो जिसको जिसको नहीं आया लिख लो फटाफट, write down fast.
डन ओके चलो नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड करेक्ट ना। तो अच्छे से आप प्रैक्टिस करो राइट ना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, क्योंकि अभी है 15 मिनट, हो सकता है कुछ टॉपिक का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट। द टॉपिक इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सबसे पहले अगर मैं बात करूं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, पेयर का मतलब क्या होता है बेटा? टू। और स्ट्रेट लाइन का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? टू लाइंस। इसका मतलब क्या हो गया? व्हेनेवर वी टॉक्ड अबाउट द टू लाइंस मींस इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइन, इट मे बी सेपरेशन ऑफ टू लाइंस, यस और नो? यस। व्हेनेवर टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर माइट बी पॉसिबल एंगल बिटवीन टू लाइंस, करेक्ट ना? यस एब्सोल्युटली राइट। इसका मतलब ये हो गया इस पूरे टॉपिक में क्या करना, अपने को ज्वाइन करना है, सेपरेट करना है और एंगल निकालना है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। माइट बी पॉसिबल कि दैट टू लाइन व्हाटएवर द टू लाइन व्हिच आर गिवन टू यू इट मे बी पैरेलल, इट मे बी परपेंडिकुलर, बट व्हेनेवर टू लाइंस आर पैरेलल द एंगल बिटवीन बोथ द लाइंस आर 0 degrees and whenever two lines are perpendicular angle between both the lines will be 90 degree it means it is one and same hai ki nahi agar two line parallel hota hai ya perpendicular hota hai wo bhi to angle between two line hi hai yes or no yes yes beta jab two line intersect aap sahi bol rahe ho ki sir it may be intersecting of course beta intersecting nahi hota to 90 degree kaise banta है कि नहीं? इंटरसेक्टिंग नहीं होता तो एंगल कैसे आता? ठीक है, बट 11th स्टैंडर्ड, एज फार एज 11th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, हम लोग ने 11th में क्या पढ़ा है बाबू? तो हम लोग ने 11th में पढ़ा है ओनली सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन, करेक्ट है? एब्सोल्युटली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सम इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड विद द दिस चैप्टर, करेक्ट ना? तो थोड़ा सा देखो अच्छे से, थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ, सब कुछ ध्यान में। टू लाइन जॉइनिंग, अब इसमें दो टाइप के पेयर ऑफ लाइन होता है, बोथ द लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस एंड बोथ द लाइंस आर नॉट पासिंग थ्रू दिस, राइट है ना? तो हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि दो ही टाइप का लाइन होता है, जो जॉइंट इक्वेशन है या जो दो लाइन है वो दो लाइन या तो ओरिजिन से पास होगा या तो वो ओरिजिन से पास नहीं होगा, राइट है? तो जो ओरिजिन से पास होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, और जो ओरिजिन से पास नहीं होता दैट इज कॉल्ड एज जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। व्हाई दिस? क्यों ऐसा? जो चीज ओरिजिन से पास होता है उसको स्टैंडर्ड क्यों बोलते हैं हम लोग? व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड? बिकॉज क्या है स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड का मतलब जो फिक्स्ड होता है, जो कभी चेंज नहीं होता, करेक्ट? स्टैंडर्ड का मतलब जीरो नहीं होता। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, नो जैसे अगर मैं बात करता हूं, अरे हम लोग ना शूज लेना है तो कैंपस का लेना, शूज लेना है तो पुमा का लेना है, शूज लेना है तो रिबॉक का लेना है, क्यों भाई? नॉर्मल शूज क्या अच्छा नहीं होता? अच्छा होता है नहीं होता ये अपने को नहीं पता, नॉर्मल शूज जो हम लोग खरीदने जा रहे हैं नॉर्मल शूज वो अच्छा होगा नहीं होगा ये अपने को नहीं पता, लेकिन रिबॉक का, पुमा का, इसका एक ब्रांड वैल्यू है, इसका एक स्टैंडर्ड है भाई, इसका कोई भी शूज लेंगे ना ये क्वालिटी तो होगा, उससे नीचे वो नहीं जाता है, करेक्ट करेक्ट। तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है ना, वो स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, तो व्हाइट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड क्योंकि उसका एक लेवल है, वो फिक्स लेवल है, वो अपना लेवल कभी चेंज नहीं करता। तो जो भी चीजें जो चेंज नहीं होता, जो फिक्स्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड, करेक्ट? तो एज फार एज ओरिजिन इज कंसर्न, अब इस दुनिया में कोई भी पेपर ले लो और जहां पे भी आप ओरिजिन बना दो
ओरिजिन हमेशा क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेट जीरो जीरो ही होता है। ओरिजिन बोला तो जीरो जीरो कोऑर्डिनेट आता है, चाहे वो पेपर पे कहीं पे भी रहे। इसका मतलब ये हो गया कि ये ओरिजिन कभी चेंज नहीं होता। कभी ऐसा देखा है क्या, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 1, 2, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट -2, -5? ऐसा नहीं होता। ओरिजिन मतलब जीरो जीरो, दैट्स इट। दैट्स व्हाई व्हेनेवर इक्वेशन इज पासिंग थ्रू फ्रॉम ओरिजिन, इट मींस दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इक्वेशन। इज दैट क्लियर? तो देखो एक बार, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसा होता है। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, राइट? मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ क्या ये सही है कि अगर दो कॉम्बिनेशन, दो लाइन को अगर मैंने लिया और दोनों लाइन अगर ओरिजिन से पास होता है और दोनों को अगर कंबाइन किया, अच्छा कंबाइन करने का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो अगर सपोज मैंने दो सेपरेट टाइप को लिया, अगर दोनों के दोनों लाइन ओरिजिन से पास होता है और अगर दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या ये ऐसा आएगा? चेक कर लेते ना यार, जस्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है? तो देखो ये मेरा डायग्राम है, दिस इज कॉल्ड मेरा एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, राइट है? ये लाइन कहां से पास होता है, करेक्ट है? दिस इज द लाइन L1 एंड दिस इज द लाइन L2। इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू m1x और इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू m2x। अब क्वेश्चन ये होता है, सर ये कैसे आपको पता चला कि जो लाइन ओरिजिन से पास होता है उसका इक्वेशन y इक्वल टू mx होता है? भाई व्हेनेवर इक्वेशन अ सेपरेट इक्वेशन व्हेनेवर इट पासिंग थ्रू फ्रॉम ओरिजिन दैट इक्वेशन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ y equal to mx. How? अब क्वेश्चन आता हाउ, तो मजे देखो। आपको याद है स्लोप पॉइंट फॉर्मूला क्या था? स्लोप पॉइंट फॉर्मूला y minus y1 is equal to mx minus x1, राइट है ना? ये m क्या है, स्लोप, x1 y1 क्या है, पासिंग थ्रू पॉइंट। यहाँ पे पासिंग थ्रू क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, जीरो जीरो, y1 भी 0, x1 भी 0, 0 हो गया गायब। तो क्या बचा, y equal to mx, बचा कि नहीं? तो मैं यहाँ से लिखूंगा, therefore separate equation of L1 and L2 will be क्या आएगा, y is equal to m1x and y is equal to Correct. Therefore, m1x minus y equal to 0, m2x minus y equal to 0. Right? These are the two equations. Therefore, then combined minus y, m2x minus y. Multiply karte hain. M1x minus y. Open the bracket. M1 M2 x square. M1 xy. M2 xy. Y square equal to 0.
ओके जस्ट लुक एट बाबू, ये मेरा इक्वेशन आया राइट है, ये मेरा इक्वेशन, जस्ट लुक एट ये वाला इक्वेशन देख लो और ये वाला इक्वेशन देखो, m1 m2 क्या है कांस्टेंट, यहां पे भी a h और b क्या है कांस्टेंट, बट फॉर्मेट देखो, पहले x स्क्वायर x y y स्क्वायर देखो सेम है कि नहीं, इसका मतलब ये हो गया। अच्छा तो क्या ये m1 और h और b में कुछ रिलेशन भी होता है क्या? होता है ना, वो मैं बताता हूँ, पहले आप इसका लिखो जल्दी से, तो H A B M1 and M2 में क्या रिलेशन होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, चलो राइट ऑन फास्ट।
ये टीवी पे भी तो यही बोलते हैं ना, अगर आपको टैक्स बचाना है तो ये कीजिए वो कीजिए, बोले आप बोलते हैं। Yes, bachcha log done. All of you written. Please reply. Okay, ठीक है। तो देखो जो इन दोनों का रिलेशन है वो इवनिंग के लेक्चर में देखेंगे हम लोग 5 o'clock. Okay? क्योंकि टाइम हो गया है बच्चा लोग. Okay? So, next we continue in the evening. जिसका भी नहीं हुआ please take the screenshot. अगर किसी का नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, ठीक है।